दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा भर्ती की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा BOB के अंतर्गत लेटेस्ट भर्ती के लिए एडवर्टाइजमेंट आउट हो चुका है। यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से, भारत के किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हो। मेल फीमेल, महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। बिना एग्जाम के भर्ती है, सीधी भर्ती निकली है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं BOB भर्ती 2022 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट इसमें ब्रांच रिसीवेबल्स मैनेजर्स की यहाँ पर 159 वैकेंसी निकली है। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आज हम आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके थ्रू आप मात्र 15 डेज में जॉब पा सकते हैं अपने सपनों की कंपनी में। आपको यहाँ पर सिर्फ एक टेस्ट देना है, रिलीवल टेस्ट। इस टेस्ट को क्लियर करते ही आपके हाथों में होगी आपकी मनपसंद नौकरी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई चार्जेस भी नहीं देने हैं। दोस्तों रिलीवल टेस्ट अब और भी आसान कर दिया गया है और कट ऑफ मार्क्स भी कम कर दिए हैं। अब आपको केवल 500 मार्क्स स्कोर करने हैं 1000 में से। पहले आपको 700 मार्क्स स्कोर करने थे। तो दोस्तों ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मत छोड़ना, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है। बात अगर अपॉर्चुनिटी की जाए तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनियों में जॉब निकली हुई है, जैसे कि ट्रिबो कंपनी में जॉब निकली है। बिजनेस डेवलपमेंट की पोस्ट के लिए 7.8 लाख पर NM के हिसाब से आपको सैलरी प्रोवाइड करा दी जाएगी। दूसरी जॉब निकली है ग्रो ऑफर्स कंपनी में, यहाँ पर डेटा एनालिस्ट की पोस्ट के लिए 16 से 20 लाख पर NM के हिसाब से आपको सैलरी प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप अपने बेसिक डिटेल्स डालकर आराम से वेबसाइट पर साइन अप करके टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हो। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए गए हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत से बच्चों की जॉब लग भी चुकी है, उनको बढ़िया पैकेज मिला है टॉप कंपनीज में। दोस्तों अगर रिलीवल टेस्ट में आपकी रैंक अच्छी आती है तो रिलीवल की तरफ से आपको कुछ फ्री गुडीज भी मिल जाती है, जैसे कि एप्पल की मैकबुक, आईफोन, आईवॉच। रिलीवल पर आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सभी तरह की जॉब मिल जाएगी। तो वेट मत करो और जल्दी से रजिस्टर कर लो। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे हैं BOB भर्ती 2022 के बारे में, यहाँ पर 159 वैकेंसी जिसके लिए निकली है। बात अगर इसकी इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो इस भर्ती के लिए आवेदन 25 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 14 अप्रैल 2022 है। यहाँ पर फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 14 अप्रैल 2022 है। सैलरी आप नोटिफिकेशन से ही चेक कर सकते हो। बात अगर क्वालिफिकेशन की जाए तो ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 23 से 35 वर्ष है। बात अगर यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन फ़ीस डिटेल की जाए तो जनरल OBC EWS के लिए 600 रुपये फ़ीस है। SC ST PWD वोमेन के लिए 100 रुपये फ़ीस है। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन कर सकते हो। बिना एग्जाम के भर्ती निकली है। शॉर्ट लिस्टिंग, ग्रुप डिस्कशन, GD और इंटरव्यू के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से, भारत के किसी भी राज्य से, महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें bankofbadoda.in, जिससे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। दोस्तों इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट लिंक्स का यहाँ पर आपको सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आप जैसे इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के लिंक पर क्लिक करोगे तो इसकी नोटिफिकेशन के PDF ओपन हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन पत्र फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट 14 अप्रैल है। यहाँ पर bankofbadoda.in/careers पोर्टल से आप इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर ब्रांच रिसीवेबल्स मैनेजर के लिए 159 वैकेंसीज निकली
निकली है। 23 से यहाँ पर 35 वर्ष इसके लिए आयु सीमा रहने वाली है। जैसे आप इस पीडीएफ को स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन दी गई है, ग्रेजुएशन डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो, साथ ही साथ वर्क एक्सपीरियंस चेक कर सकते हो और यहाँ पर आप प्लेस ऑफ पोस्टिंग चेक कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया के लिए, अलग स्टेट के लिए, अलग अलग स्टेट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज की लिस्ट पूरी दी गई है। जैसे कि आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना के लिए 5 है, अरुणाचल प्रदेश के लिए 2 है, असम के लिए भी 4 है, बिहार के लिए 7 है, छत्तीसगढ़ के लिए 5 है, गोवा के लिए 3 है, गुजरात, दमन एंड दीव या दादरा एंड नगर हवेली के लिए भी 18 है, हरियाणा पंजाब के लिए 10 है, हिमाचल प्रदेश के लिए 3 है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए 1 है, झारखंड के लिए 3 है, कर्नाटका के लिए भी 7 है, केरला के लिए 5 है, एमपी के लिए यहाँ पर 7 है, महाराष्ट्र के लिए 23 है, मणिपुर के लिए 1 है, मेघालय के लिए भी 1, मिजोरम नागालैंड के लिए भी 1 वैकेंसी है, एनसीटी ऑफ दिल्ली या एनसीआर के लिए भी 10 है, उड़ीसा के लिए 7 है, राजस्थान के लिए भी 7 है, तमिलनाडु पुडुचेरी के लिए 5 है, त्रिपुरा के लिए 1 है, यूपी उत्तराखंड के लिए 15 है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार के लिए भी 7 वैकेंसीज निकली है। पूरी यहाँ पर लिस्ट दी गई है वैकेंसीज की और साथ ही साथ यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज की डिटेल दी गई है। एससी के लिए यहाँ पर 23 है, एसटी के लिए 11 है, ओबीसी के लिए 42 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 है, यूआर के लिए 68 है, 159 टोटल वैकेंसीज इसके लिए निकली है। मेल फीमेल के लिए यहाँ पर वैकेंसीज की पूरी लिस्ट है। अलग अलग कैटेगरी के लिए आयु सीमा में रिलैक्सेशन की भी लिस्ट दी गई है। एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी एनसीएल के लिए 3 साल की है, पीडब्ल्यूडी यहाँ पर इसके लिए भी, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10 है, ओबीसी के लिए 13, एससी एसटी के लिए 15 है, ईएक्सेसमैन के लिए भी यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए आयु सीमा में रिलैक्सेशन दी गई है। 600 रुपये यहाँ पर फीस है, आप देख सकते हो, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, और 100 रुपये फीस है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। बात अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया की जाए तो यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे या फिर जीडी, यहाँ पर जीडी या शॉर्ट लिस्टिंग के आधार पे इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा प्रोसीजर दिया गया है, आप इसको फॉलो कर सकते हो और सिंपली आवेदन कर सकते हो। यहाँ साथ ही साथ यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, स्क्रॉल डाउन करते हुए आप कंप्लीटली पीडीएफ चेक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भी हमारे पोर्टल पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पोस्ट दी गई है, उसके बाद में आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी होगी जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको कैंडिडेट्स का नेम फिलअप करना होगा, मोबाइल नंबर यहाँ पर, उसके बाद में ईमेल आईडी और ये कैप्चा यहाँ पर आपको इसमें फिलअप करना होगा और गेट ओटीपी की टैब पर क्लिक करते हुए ओटीपी जनरेट करना होगा और उसके बाद में जो बाकी का प्रोसीजर होगा वो कम्प्लीटली फिलअप करना होगा। और बाकी की जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।